जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। तो वीडियो के टाइटल पे आपने देखा होगा मैंने लिखा है डोंट गो विद हाइप। तो ऐसा ना पहली बार हुआ है कि मैंने पहले से टाइटल का एग्जैक्ट नाम डिसाइड किया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कल मैंने A51 का रिव्यू किया था, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं इस वॉलपेपर को कहाँ से डाउनलोड करें, इसका लिंक क्या है, जो भी है। तो ये ह्यूमन नेचर है, अक्सर दूसरों के जो वॉलपेपर की बात कर रहा हूँ मैं, अक्सर वो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये A51 में जो खुद वॉलपेपर का ऐसे फीचर दिया है वहाँ से डाउनलोड कर लेना, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, मिस्टर जो करके नाम है। तो गैलेक्सी M31 के स्पेसिफिकेशन का क्विक रिव्यू कर लेते हैं। 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले FHD+। तो डिस्प्ले आपको अच्छी दी गई है, M30s में भी ऐसा ही दिया गया था, और इन्फिनिटी यू शेप की तरह ही आपको डिस्प्ले मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 3 मिल जाएगा, प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम, एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर, फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, 6000 mAh का बैटरा और 15W का फास्ट चार्जिंग। तो ये सब कुछ M30s जैसा है। नया क्या है, एंड्रॉयड 10 मिलता है, One UI 2 मिलता है, और इसका बेस वेरिएंट ही शुरू हो रहा है यहाँ पे 6GB रैम से। तो 6GB रैम 64GB इंटरनल के साथ आपको 15,000 rupees देना होगा, और 6GB रैम 128 के साथ और 1,000 rupees एक्स्ट्रा देंगे तो 6GB के साथ 128GB इंटरनल मिलेगा। तो अब आपने ना ऐसे जितने भी अनबॉक्सिंग वीडियो देखा होगा, मैक्सिमम में कैमरे के साथ थोड़ा ऐसे गलत बता दिया गया है। कहीं पे 5 MP डेप्थ सेंसर है, कहीं पे 2 MP, कहीं पे 16 MP सेल्फी, कहीं पे 12 MP सेल्फी, मैंने देखी है कई वीडियो। एक्चुअल आपको मिलता है 64 MP मेन कैमरा, 8 MP अल्ट्रा वाइड, और 5 और 5 MP के डेप्थ और मैक्रो कैमरा, और 32 MP सेल्फी। तो M30s का सेल्फी कैमरा इतना बेटर नहीं था, मैंने कंपेयर किया था, लेकिन अभी M31 में सेल्फी कैमरा बेटर मिलेगा, और जो मेन कैमरा है यहाँ भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप सोच रहे हो गलती हुई कैसे, यहाँ पे डब्बे के साथ ना एक स्पेसिफिकेशन शीट आती है, उस पर यही सब लिखा होता है, वही बोल देते हैं, तो मतलब वहाँ पे गलत लिखा था। इसीलिए एक बात बता रहा हूँ, ये अपने तक रखना, जो ये फर्स्ट इंप्रेशन अनबॉक्सिंग की वीडियो होती है ना, इसमें कैमरा सैंपल वगैरह को जो बोला जाता है ना, ऐसे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ऐसे इधर से सुन के ना इधर से निकाल देने का, फ्री डाटा मिल रहा है, मस्त वीडियो देखने का, टेंशन नहीं लेने का। नहीं, ये मैंने मजे में बोल दिया, लेकिन ये मैं ऐसे सच बोल रहा हूँ, इस पर आपको ना ऐसे थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, पैसा आपका, आपकी मर्जी, और मैंने बता दिया, लेकिन किसी को बताना मत। ये मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, आपने देखा ना 64 MP का कैसे हाइप बनाया जा रहा था, तो ये सब हाइप बनाया जाता है। एक्चुअली जब मैंने M30s का रिव्यू किया था, मैंने बताया भी था A50s के साथ क्यों प्राइस डिफरेंस है, और वहाँ पे काफ़ी सारा डिफरेंस था, वैसे आपको देखना होगा, आई बटन में वीडियो दे दूंगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, A सीरीज के स्मार्टफोन में काफ़ी कुछ अलग होता है आपको M सीरीज़ के कंपैरिजन में, और A50s मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ किया है, और अभी वो आपको ऑफलाइन मिलने वाला है, 15,000 के आसपास मिल जाएगा। तो A50s में भी आपको 32 MP सेल्फी मिलता है। मैक्रो कैमरा कोई बड़ा डील ब्रेकर तो होगा नहीं आपके लिए जो M30s में मिलता है अलग से, और 48 और 64 मेगापिक्सल में ऑन पेपर जितना बड़ा डिफरेंस है ना, कोई जरूरी नहीं डिफरेंस मिले, मिल भी सकता है, या फिर आप कैमरा कंपैरिजन देखना, वहाँ से आइडिया लगेगा। और कुछ लोग A51 और M31 का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो इन दोनों का आपस में कंपैरिजन नहीं है, मैं श्योर हूँ इस बात को, कंपैरिजन करना है तो A50s से किया जा सकता है, A51 से नहीं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने M30s और A50s को कहा था सेम ही है, एक दो चीज़ें डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं, जबकि वहाँ पे बहुत बड़े डिफरेंसेस थे, चाहे फीचर्स की बात करें, चाहे नोक सिक्योरिटी की बात करें, चाहे फ़ोन का प्रीमियमनेस की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस थे, तो अभी भी सेम डिफरेंस ऐसे ही है। तो M31 खरीदने से पहले A50s को मत भूलना, वो आज वैल्यू फॉर मनी वाला फ़ोन कहलाएगा A50s, जिस प्राइस में आ रहा है। बाकी दुख की बात यह कि M31 5 तारीख को जाएगा अमेज़ोन पे सेल में, तब मैं ऑर्डर करूँगा, तब वो आएगा, तब वीडियो आएगा, तब तक मेरा व्यूज चला जाएगा। लेकिन उसकी दिक्कत नहीं है, जिसको ख़रीदना है वो जल्दबाजी मत करना भाई, क्योंकि मैं M30s और A50s यूज़ कर चुका हूँ, मैं उसके ऊपर टेस्ट कर चुका हूँ, तो आपको ऐसे डायरेक्ट सलाह दे रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि सैमसंग जाना जाता है एक बैलेंस फ़ोन के लिए, मतलब एक अलग ही हिसाब किताब है, जो इस प्राइस में अभी A50s काफ़ी सही है। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए थी आपका पैसा सही जगह जाए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करके जरूर जाना, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।